पिछले 2 साल भारत और चीन के बीच अच्छे नहीं रहे। पूर्वी लद्दाख में तो हालात कई बार बेहद चिंताजनक बन गए। चीन डराता रहा लेकिन भारत डटा रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि एशिया का सिकंदर बनने वाला चीन हिंदुस्तान की ताकत के आगे टूट गया। अब हम आपको एलएसी से आई एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें आज तक संवाददाता अशरफ वानी की इस रिपोर्ट में चुशुल मोल्डो का वो मीटिंग पॉइंट देखेंगे, जहां पर दोनों देशों के बीच सेनाओं के पीछे हटने की सहमति बनी। आज तक पर पहली बार वो जगह देखिए जहां चीन पीछे हटने को राजी हुआ। जो हालात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो अब किसी हद तक जो है बड़े स्थिर हैं। उसका सबसे बड़ा नमूना यही है कि मैं इस जगह से रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं, जो 2 साल के लिए मीडिया के लिए बंद था। एलएसी पर बनी वो इमारत देखिए जहां हिंदुस्तान ने चीन से दो टूक बातचीत की, कि पर्यटक और आम लोग भी अब इस इलाके में आ सकते हैं और यहाँ पर न सिर्फ रिजिंगला के इन इलाकों को देख रह सकते हैं, बल्कि वो हर एक पहाड़ी और वो हर एक इलाका देख भी सकते हैं और उसके बारे में जान भी सकते हैं। यहाँ पर भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद बना हुआ है। ये आज तक संवाददाता अशरफ वानी है, जो आज आपको एलएसी के चुशुल मोल्डो ले जाने वाले, जहाँ चीन की सेना सभी फ्लैश पॉइंट से पीछे हटने को राजी हुई। आज तक पहला चैनल है जो आपको चुशुल मोल्डो की वो जगह दिखा रहा है, जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये वही इमारत है जहां पर 20-20 घंटों की बैठक हिंदुस्तान और चीन के सेनाओं के बीच बातचीत होना आम बात थी, जहां पर हिंदुस्तान की सेना बॉर्डर की तरह टटी रही। हम चुशुल के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर पिछले 2 साल से भारतीय सेना और पीएलए के बीच 16 बैठकों का दौर हुआ है। कैमरे में जो आप देख सकते हैं, ये मीटिंग पॉइंट है चुशुल में। एक तरफ से भारत का जो चुशुल मीटिंग पॉइंट है, बहुत जबरदस्त अब यहां पर ये एक मीटिंग हॉल बनाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और साथ ही साथ चीन का जो इलाका आता है माल्डो गैरिजन, माल्डो की जो चीन का इलाका है जो कैमरे में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चीन का इलाका है। वहां से आप सीधे देख सकते हैं कि सड़क एक आ रही है। चुशुल माल्डो के करीब एक ऐतिहासिक जंग हुई थी। यहां पर 1962 में भारत और चीन के बीच सबसे भीषण जंग हुई थी। 1962 में सबसे भीषण लड़ाई जो भारत और चीन के बीच में हुई थी, वो यहीं पर हुई थी। और यहाँ से ज्यादा दूर वो वार मेमोरियल भी रिंगजला का नहीं है, जो इस तरफ है, जहाँ जो कैमरा में दिखाएगा आपको, यहाँ पर सेना की मूवमेंट हमेशा 24 घंटे जारी रहती है। वो जो तिरंगा है वो रिंगजला का वार मेमोरियल है, जहाँ पर 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने अपने 113 साथियों के साथ देश के लिए बलिदान दिया था। और ये जो पहाड़ी सामने दिख रही है, इस को चीन के कब्जे से बचाया था। रिजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशुल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का ये अंतिम मोर्चा था, इसीलिए इसे रिजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी ने चीन की विशाल सेना का टटकर मुकाबला किया था। चीन के फौजियों की संख्या करीब 6,000 थी, जबकि 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान थे। बावजूद इसके चीन को यहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। चीन की फितरत धोखा देने की है। वो भले ही मई 2020 की स्थिति में लौट गया हो, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। हाल ही में सैटेलाइट ने चीन की चालबाजी पकड़ी, जिसमें वो पेंगोंग झील के पास सड़क और पुल बनाता हुआ पकड़ा गया था। आज तक संवाददाता पेंगोंग झील के पास जाकर भी चीन की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित पेंगोंग झील दुनिया का सबसे खूबसूरत झील है और ऊंचाई पर सबसे बड़ा झील। करीब 80 किलोमीटर से भी लंबा ये झील दो देशों में बटा हुआ है। इसका एक तिहाई भारत में है, जहां पर हम खड़े हैं, और दो तिहाई चीन में है। और अगर हम इस झील के खूबसूरती की बात करें, तो दिन में कई बार इस झील का पानी रंग बदलता है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, एक तरफ अगर इस पूरे झील को देखें, हरा नीला एक तरफ, बीच में फिर हल्का नीला, और फिर जब इस तरफ है पूरी तरह से शफाफ सफेद इस झील का पानी है। चीन भले ही पीछे हट गया हो, चीन के सुर भले ही ढीले पड़े हो, लेकिन फिर भी उसकी 50,000 से ज्यादा की सेना एलएसी पर डटी हुई है।
पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक उसकी सेना की गतिविधियां हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अशरफ वानी, चुशूल मोर्डो, आज तक।